नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने। यहाँ पर जो अभी आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कि किस तरीके से जो है आज अग्निपथ के लिए SFI वाले आए थे और उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया अग्निपथ को लेकर, कि किस तरीके से ये रणनीति बनाई गई है उसी के ऊपर जो है आज यहाँ बहुत भारी भरकम संख्या में प्रोटेस्ट किया गया। मगर आप देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अंदर जाओ। सर ये किस लिए प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है सर? ये
हमारी जो हमारी मांग है कि अग्निपथ स्कीम को जल्दी से जल्दी ये लोग पीछे ले, वरना देश को युवा को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, वरना क्योंकि देश का युवा सड़क पर आ चुका और इनके खिलाफ लड़ने को तैयार है। किस लिए लड़ रहे हैं सर, किस लिए? हम लोग अग्निपथ स्कीम के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हम लोग के साथ एक धोखा है। 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहे और फिर बाहर निकाल के फेंक देंगे सारे युवा को। तो देश के छात्र है जो तैयारी कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, वो कैसे जाएंगे सेना में? या 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे नौकरी करने? ये देश के युवा के साथ एक धोखा है रोजगार के नाम पे, और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई तैयार है। हम सभी छात्र आज यहाँ जो मोदी सरकार ने एक नई अग्निपथ स्कीम निकाली है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने आए थे, पर आप सबने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता के साथ हम लोगों को डिटेन कर लिया है। और इस देश में आज ये हालत है कि छात्र और जो युवा है वो अपनी बातें भी नहीं रख सकते। और जो अग्निपथ स्कीम के बारे में यही कहना चाहेंगे, ये स्कीम बहुत एक राष्ट्र विरोधी और युवा विरोधी। SFI में जितनी भी लड़कियां थी, लड़के थे, उनको घसीटते हुए पुलिस किस तरीके से बसों में भर रही थी, और जेंट्स पुलिस मौजूद थी, कोई भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, और किस तरीके से लड़कियों को कॉलर पकड़कर पुलिस लेके जा रही है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से उनको भर लिया, ठूस दिया गया बसों में। ये आज नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लगातार तानाशाही पुलिस की, कैसे आप घसीट के लड़के और लड़कियों को लेके जाया जा रहा था और किस तरीके से उनको पुलिस जो है ठूस रही थी गाड़ियों में। आप ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से सरकार में बैठे लोग, ये सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से जो है हक अधिकार जो अपने बात करते हैं हक अधिकारों की, उनको किस तरीके से दबा दिया जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर वार किया जाता है, आप सामने देख सकते हैं। अब जो है हमारे देश में कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो उसको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, लगातार जो है बैरिकेडिंग कर दी जाती हैं, सारी रोडें जाम कर दी जाती हैं। आप सामने देख सकते हैं कितने बैरिकेड्स, कितनी संख्या में बैरिकेड्स हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस टुकड़ी मौजूद थी, कितनी संख्या में यहाँ पे CFI के सारे जो टुकड़ी थी वो भी मौजूद थी यहाँ पर। लगातार जो है पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं ठूसने के लिए, जो लगातार जो जितने भी छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे अग्निपथ को लेकर, उसी के चलते यहाँ पर जो है छात्रों को बसों में ठूस लिया गया, भर दिया गया, और अब जो है बसों में ले जाया गया है उन्हें, और प्रदर्शन करने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी जा रही है। लगातार इतने दिनों से जो है अग्निपथ के लिए इस तरीके की कॉल दी जा रही है कि अग्निपथ के लिए जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ लाया गया और उसके चलते आगजनी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई, पूरी बसें और ट्रेनें जला दी गई, लगातार आप तस्वीरें जो हैं आपने बिहार की भी देखी होंगी, बिहार में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, इस तरीके की आगजनी करी गई। लेकिन क्या इस ऐसी गुंडई को बर्दाश्त किया जाएगा? क्या ये गुंडई नहीं है? क्या ये दंगई नहीं है? लेकिन जब वहीं मुस्लिम जब प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें दंगाई और पत्थरबाज बता दिया जाता है। लेकिन लगातार जो गोदी मीडिया लगातार ऐसी डिबेटें करके जुम्मे की नमाज पर ही अटका हुआ है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें हैं अग्निपथ को लेकर, पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जो है सरकार अपने कान बंद करके बैठी है, सरकार जो है सत्ता में बैठी हुई सरकार की आंखें बंद हैं और सो रही है शायद सरकार। अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद है, वो कुछ अग्निपथ पर कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अग्निपथ पर। मैं अग्निपथ पर ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का मतलब तो लोगों की आवाज़ और जनता की आवाज़ होता है। इसी लोकतांत्रिक देश में अगर लोगों की आवाज़ और जनता की आवाज़ दबा दी जाएगी तो उसे हम लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे, उसे हम कहीं कहीं ना कहीं तानाशाही से इंडिकेट करेंगे और वो तानाशाही सरकार मानी जाएगी। जिस तरह से ये मोदी सरकार है, 2014 के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग कहते हैं 2014 के बाद आज़ादी आई है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या देश में डिफेंस, रक्षा क्षेत्र, किसान क्षेत्र या हमारा कोई भी क्षेत्र है, क्या 2014 के बाद आई है? क्या पब्लिक सेक्टर 2014 के बाद आई है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सार्वजन हिताय, सार्वजन सुखाय का होता है। और निजीकरण का मतलब तो निजी लोगों के लिए, और ये सरकार जो कर रही है केवल निजी लोगों के लिए कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए कर रही है। आप जिस मोदी मीडिया की बात कर रहे हो, आप भी मीडिया क्षेत्र से आते हो, मुझे नहीं पता आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, क्योंकि मुझे डाउट है हर मीडिया पे, मुझे हर मीडिया पे डाउट है और आप पे भी डाउट है। कि आज जिस तरह से मीडिया दिखा दे रही है, एक पक्ष को दंगाई बताती है और दूसरे पक्ष को क्या कहते भटके हुए युवा बताकर, दोनों को एक दूसरे से
अपोजिट। क्या नाम है आपका पहले ये बताइए? सुमित शर्मा। तो आप भी जो है अग्निपथ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा था, अब मेरा एज खत्म हो गया है, मैं ये कहना चाहूँ तैयारी तो अग्निपथ के नाम पर जिस तरीके से अग्निवीर जो है आग लगा रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, अब मैं दंगाई के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको इनको दंगाई नहीं आक्रोश बताया जा रहा है। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देश गांधी का भी देश है और भगत सिंह का भी देश है। वो किसान आंदोलन जो था वो गांधी का आंदोलन था, और ये जो आंदोलन ये भगत सिंह का आंदोलन है। इसमें इस सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो आप जैसे युवा ही लेते हैं, सरकार को लाने वाले भी आप ही लोग हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार को लाने वाले हैं, लेकिन सरकार को लाने में हमारा जितना हाथ है तो हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो आगजनी करके सवाल पूछेंगे आप लोग। मैंने हम जैसे युवा उसमें आगजनी नहीं कर, अगर उसमें कुछ उग्र लोग आ जाते हैं जो हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को आप उसे युवाओं की आवाज़ नहीं कहेंगे, उनको युवाओं की दंगा नहीं कहेंगे, उसमें उग्र लोग उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन हमारी जो आवाज़ है उस पर भी सवाल, जो हम सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 4 साल का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना 17 साल से 21 साल के बीच में हमने भटके युवाओं को एक हमने मौका दिया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 के पहले 17 साल से 21 साल का समय सीमा नहीं था? क्या आयु समित नहीं था उसमें? 4 साल बाद आप भूतपूर्व नहीं कहलाएंगे, उसके बाद आपको कॉर्पोरेट हाउस में जो है नौकरियाँ मिलेंगी, इतना सब कुछ कर पाएंगे आप? एक ही बात, वही बात तो कहना चाह रहा हूँ मैम, ये कहना चाहूँ क्या पिछली सरकार में सिपाही की भर्ती किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, कोई भी हो, उसमें 17 साल से 21 साल का एज सीमित नहीं था क्या? पहले सीमित नहीं था क्या? 21 साल तक तो पहले भी था, पहले भी अगर 10वीं 12वीं करके अगर सिपाही भर्ती के लिए जाता तो उसे 21 साल के बाद कोई अलाउ नहीं होता था, और यही और आज भी वही 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 नीति है आज भी, लेकिन उसमें बदलाव क्या कर दिया? वो क्या था? परमानेंट था, और इसको निजीकरण के हाथों में दे दिया, संविदा दे दिया। अगर आप रक्षा क्षेत्र में संविदा दे रहे हो, कहीं ना कहीं रक्षा सिक्योरिटी की बात, कहीं ना कहीं खुफिया जो बात है हमारी, वो कहीं लीक होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरल बीके सिंह है वो बोल रहे बहुत अच्छी योजना है, जबकि वो तो विरोध कर चुके हैं, 60 सालाना नौकरी कर ली, 2 साल के लिए और विरोध किया था, लेकिन वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। जनरल बीके सिंह की बात करो, जनरल बीके सिंह जब जनरल थे उस टाइम अपने एज में की जो आयु सीमा थी उसमें खुद फंसे हुए थे, उनको खुद नहीं पता कि मेरी एज 65 साल है कि 66 साल है। लेकिन अब तो इस योजना को बहुत बेहतर बता रहे हैं, बहुत अच्छा सुनहरा मौका बता रहे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि वो सरकार के वो चमचे हैं, सरकार के चमचे बन गए। अब मैं सरकार का चमचा ही कहूँगा, वो सरकार के वो चमचे हैं, वो चंद चमचों में से हैं जो सरकार को 2014 के आज़ादी बताएंगे, उन बलिदान जो सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, भगत सिंह ने दिखाई, सुखदेव जी ने दिलाई थी, उन आज़ादी को वो क्या बताएं? भाई पिछले 8 सालों में देश आज़ाद हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुझे नहीं आता समझ। मैं आज़ादी में कमिश्नर कुशवाहा जयप्रकाश नारायण, मैं जैसे सामंतवादियों के खिलाफ लड़के और अंग्रेजों के खिलाफ लड़के जो हमारी आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी को मैं आज़ादी मानता हूँ, जो आज़ादी को आवाज़ों की दवाई उस आज़ादी को आज़ादी नहीं मानता हूँ, आज मैं गुलामगिरी मानता हूँ अपने आप को, मैं आज गुलाम लोकतांत्रिक देश में गुलाम हूँ अपने आप को, मैं 2014 के बाद अपने को गुलाम मानता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ को दबा दी जाती है। गुलाम कैसे बने आपको मालूम है? आपका वोट देने का अधिकार दिया गया था ना, वोट दे दिया ना आपने, अगर मैं परेशान हो रहे हैं। अगर हमने वोट दिया मैम, अगर वोट लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या? हमने वोट सरकार को क्यों चुना था? पिछली सरकार को क्यों हमने खात्मा किया? पिछली सरकार ने हमारी आवाज़ को दबाई थी, जब 2012 में हमारा आंदोलन हुआ था करप्शन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तो हमने क्या उम्मीद लगाई थी? भाजपा ने क्या कहा था हमसे उस टाइम पर 2012 के आंदोलन में कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, 15 लाख में हम विदेशों के में जमा हुए जो हमारा काला धन है वो लाएंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है? उसी चीज जिस चीज़ के लिए वो सरकार में हमने चुना था, उसी चीज़ को आज हम अगर सवाल करेंगे तो हमें देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। आज ये कंडीशन है, हमने उस टाइम में हमारी गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी, हमें उम्मीद था इस सरकार से, इस संघियों से उम्मीद था कि हमारे संघी का मतलब ये है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है मैम, ये नागपुर से चली हुई सरकार है मैम, नागपुर से जो आदेश आएगा वही होगा। आज इस सरकार में कितने लोग मंत्री? नागपुर में ऐसा क्या है? नागपुर में आपको नहीं पता है क्या? मेरे से क्यों पूछना? बता दीजिए ना। नहीं मुझे नहीं पता ना, आपको पता है? नागपुर का नाम ले रहे हैं मगर मालूम नहीं है कि सरकार नागपुर से चल रही है। सरकार नागपुर से, इसलिए नागपुर का नाम ले रहा हूं। बोलने का अधिकार रख रहे हैं तो जरा बोल दीजिए खुलकर, क्या पूरे देश को पता है? मुझे क्यों पूरे देश को पता है? बोलने का अधिकार रखूंगा, अगर मैं आज बोल दिया नागपुर में क्या है तो मेरे ऊपर
FIR दर्ज हो जाएंगे, मुझे देश विरोधी घोषित कर दिया, डर भी रहे हैं। मुझे डर नहीं है मैम, मुझे इस सरकार से आपको उकसा नहीं रही हूँ। मतलब पहले आप सरकार को संघी बता देते हैं, फिर नागपुर का नाम ले देते हैं। आप उकसा भी नहीं सकते, मुझे जब गोदी मीडिया उकसा, कोई भी गोदी मीडिया, आप जैसे मीडिया हो जो उकसा नहीं पाया, तो आप क्या उकसा पाओगे? कोई भी मुझे ना तो सरकार उकसा पाएगा, ना मुझे शासन उकसा पाएगा, ना प्रशासन उकसा पाएगा। जो मैं अपने अभिव्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नागपुर में क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नागपुर से क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देश की जनता को भी पता है, लेकिन कुछ देश और मीडिया को भी पता है, लेकिन नागपुर की बात कोई नहीं करेगा। वही नागपुर के लोग कहते हैं 2014 के बाद आज़ादी आई है, लेकिन मेरे लिए आज़ादी तो 1947 में आई थी। नागपुर में क्या नागमणि है? क्या नागमणि है? संघियों से पूछ लिए नागपुर में क्या नागमणि है। संघियों के लिए तो नागमणि है नागपुर, संघियों के लिए नागपुर तो नागमणि है, मेरे लिए तो दिल्ली ही है सब कुछ। लोग तब क्या करेंगे, ऐसे फूकते रहेंगे, पूरे देश को आग लगा देंगे क्या? नहीं, फूकते नहीं बनेंगे। अग्निवीर नाम दे दिया, आप अग्निवीर बन गए। अग्निवीर आप, मैंने क्या बोला था ये अग्निवीर जो है, मैंने क्या बोला था आपसे, इस सरकार के अंदर मैंने कहा था किसान आंदोलन गांधी का आंदोलन, ये आंदोलन भगत सिंह का आंदोलन, नरम खून और गर्म खून। मैं मानता हूँ उसमें कुछ गर्म खून में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, अराजक तत्व के लोग आ जाते हैं जो पूरी आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भगत सिंह का आंदोलन भी उस टाइम पे कमज़ोर पड़ गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, सेना का गठन किया था और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था, किया था ना। वही मैं कह रहा हूँ कि इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो हमारी आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी उनके खिलाफ हूँ, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जो हमारी जो मांगे हैं बुलडोजर चलना चाहिए इनके घरों पर। अभी दंगाई कर रहे हैं, दंगाई का नाम नहीं दिया जा रहा, आक्रोश बताया जा रहा है। अगर योगी बाबा किसी धर्म या किसी पर तो चल जा रहा है ना। मैं यही तो मैं आपको आपके सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर किसी पंथ और किसी धर्म के नाम पर बुलडोजर चला रही है, तो ये भी कहने का ही अराजक है, और इन लोगों पर ही बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ये लोग गलत है तो, दंगाई है तो, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बुलडोजर न्याय हो गया है क्या? बुलडोजर मैं योगी के बात में बोला मैंने। आपने सवाल किया था कि बुलडोजर, ऐसा कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाना चाहिए, क्यों चल जाना चाहिए? मैंने योगी के तर्क पे आपको बताया कि योगी अगर किसी एक पंथ और किसी धर्म के लोगों पर अगर बुलडोजर चला रहे हैं, तो योगी का ये भी फर्ज बनता है कि इन लोगों पर ही अगर प्रयागराज में, बुलंदशहर के अंदर, गाजीपुर के अंदर अगर ट्रेनों को फूकी जा रही है, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दीजिए। अगर आप बुलडोजर चलाने का हक उसमें रख दो, इसमें भी रखिए। इसमें क्यों पीछे, इसमें एक बयान क्यों नहीं आ रहा सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का, कि ऐसे लोगों के खिलाफ? कहाँ से आए? मैं रहने वाला बेसिकली बिहार से हूँ, हाँ। समस्तीपुर जिला से हूँ, मेरे जिला में भी दंगा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ नोएडा में। कितना दंगा हुआ है? दंगा का तो मुझे भी पता है, लेकिन दंगा का कारण तो आपको पता है, आपके जैसे गोदी मीडिया ही है दंगा का कारण, जो उकसाने का काम करती है। आप जैसे गोदी मीडिया ये कहती है कि ये भटके हुए लोग है, ये कहाँ से जवान है। बिल्कुल मुझे तो लगता है, मुझे तो विश्वास हर किसी के हाथ में होता है, मैं गोदी मीडिया ही कहता हूँ, क्योंकि वो जनता की आवाज़ को उठाता है। ऐसा माइंड सेट क्यों हो गया है? माइंड सेट इसलिए हो गया ना कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच नहीं रही है। और पहुँचाएंगे, इतना जला फूका दिया, सब पहुँच रही है आवाज़। कहाँ पहुँच रही है उसको, तो ये कितना पहुँचा, हमने जला फूका दिया है उन लोगों तक सरकार क्यों नहीं पहुँच रही है? उन लोगों तक जो जिसने आग लगाई है बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, या उन्होंने हुड़दंग मचाई है, उन लोगों तो सरकार क्यों? बच्चे हैं, भटक गए हैं बोला जा रहा है। कैसे बच्चे हैं? आपने देखा है कैसे कमिश्नर साहब बोलते हैं कि बच्चे हैं, भटक गए, हमारे ही बच्चे हैं। अच्छा, हाँ। तो उनके क्या बच्चों के कितने बच्चे हैं? 17 साल के बाद के ही तो हैं सारे स्टूडेंट, 17 साल के बाद के लिए अग्निवीर है ना, 17 साल के बाद के सब कैसे बच्चे हो गए? आपके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है वो गलत काम कर रहे हैं, तो कानून के अधीन में आके उसके साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप उनकी आवाज़ को मत दबाइए, आप उनकी आवाज़ की आड़ में उनको दंगाई मत बताइए। अब क्या करेंगे, अब क्या कुछ करेंगे? क्या करूँ मैं, यहाँ आवाज़ के लिए आया था, लेकिन देखिए यहाँ पे सेनाओं को और हमारे जैसे जो किसान के बेटे हैं उनको सामने खड़ा कर दिया, किसान के बेटे को किसान से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इनसे ये हमें डंडा खिलवाएंगे, इनको भी बाद में जाके सुकून नहीं मिलता होगा, ये भी सोचते हुए मैंने किस पे डंडा चलाया, मेरे जैसे युवा ही तो आया था, मेरे जैसे किसान का बेटा ही तो आया था, कोई किसी नेता का बेटा तो था नहीं, लेकिन इनको सामने खड़ा कर दिया जाता है और इनको ही अपमानित किया जाता है। आप जैसे मीडिया ही इनको अपमानित करते हैं और हमको भी अपमानित करते हैं। सरकार से कोई सवाल, सरकार को कोई सवाल नहीं पूछता, ना सरकार से कोई जवाब मांगता है। मांगते हैं हम तो, सरकार जवाब ही कहाँ दे रही है? सरकार जवाब नहीं दे तो कहेंगे अभिव्यक्ति की, चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की आज़ादी की हनन हो रहा है, उसकी बात कीजिए। हनन हो रहा, अगर मैं आप कह रहे हो, अगर
अगर आज मैं जवाब दे दूंगा ना, मुझे रासुका लग जाएगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा मेरे ऊपर मेरे परिवार के साथ क्या हो जाएगा, मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, फिर उसके बावजूद मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ बोल रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, अभी जो है एक युवा से हमने बात की, किस तरीके से आपने देखा किस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये अराजकता है। वाकई में क्या इस तरीके से जो फूका जा रहा है, पूरे देश की संपत्ति को आग लगा दिया जा रहा है, झोंक दिया जा रहा है, क्या ये अराजकता नहीं है? कुछ ऐसे ही अराजक तत्व आ जाते हैं ऐसा कहना है युवाओं का भी। ये युवा से हमने बात की किस तरीके से अब जो देश में है विरोध प्रदर्शन को आगजनी का नाम भी दे दिया गया, आगजनी हो भी रही है लगातार, आप लोग भी तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन कहीं विरोध प्रदर्शन करना भी जो है गुनाह हो गया है हमारे देश में। कोई अगर शांति से विरोध प्रदर्शन भी करता है तो वहीं उसे रोक दिया जाता है या फिर उसे उठा लिया जाता है, जिस तरीके से आज ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उठा लिया गया लड़कियों को, लड़कों को, और लाठी बजाने की जो नौबत आ चुकी थी उसी के चलते यहाँ पर जो है लगातार लोगों को उठा लिया गया और लड़कियों को भी उठा लिया गया। इसी तरीके से आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, थाना दिल्ली।